अच्छी बॉल, अच्छा कम बैक। जॉन मागरे साहब बड़े खुश हैं क्योंकि उनको पता है दोनों ही टीमें उनकी हैं। एक बार फिर अंपायर के पास है, कुछ नहीं आए बॉल की समय को बॉल को खेल दिया है कोने की तरफ। क्रिकेट का ताकि महदूद रखा बत्तीस पे कोई खिलाड़ी आउट नहीं ना करता। तीसरे ओवर का खेल जारी। समित भी 30 एकद एकद दूर सटना चाहिए। एक बार फिर बॉलिंग का निशंक तैयार। रफ्तार से अपन के पास है कुछ आए बॉल की मतलब एक समित पेशेंट को कट खेल लिया। स्टॉप जो फील्डर है उन्होंने बॉल को फील्ड किया लेकिन एक रन और 33 बगैर किसी नुकसान के तीन के बाद पास से कमेंट्री जारी रखेंगे। सॉरी अभी एक बात रहती है मुबशर एजाज, अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स में आ जाए मुबशर एजाज काइंडली। मुबशर एजाज यहाँ कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। शकीर इस ओवर की आखिरी बॉल करने के लिए ओवर लेकर आए बॉल की समय का गेंद को सिक्स किया था उन्होंने। दो रन और हासिल किए यहाँ पे समझ में स्कोर बढ़ते हुए। तो तीन ओवर के बाद नक्कर का स्कोर 3 के बाद 35 पे कोई खिलाड़ी आउट नहीं। मजीद 40 आने बाकी है और अभी 7 ओवर बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। और नक्कर की बात करें तो पहले बोली थी उन्होंने जो चोल दिखाया और शंगार की एक बड़ी बैटिंग लाइन आपको सिर्फ 74 रन तक महदूद रखा और 75 रन का जो हडफ मिला उसका ताकत करते हुए और 3 ओवर में 37 रन बनाए बगैर किसी नुकसान के। समी नदीम और अफजल समत दोनों क्रीज पे मौजूद। काफी जारहाना अंदाज अपनाया हुआ दोनों बैट्समैन ने। इमरान के दावे दो स्कोर ही काउंट होगी क्योंकि अंपायर का ये टास्क थी ना। और अब चौथे ओवर की शुरुआत करेंगे अमर उनका सामना करेंगे। समय नदीम दोनों जुड़ के अंपायर को क्रॉस किया गोल के रिपोर्ट का अपील किया अमर ने। 35 रन कोई खिलाड़ी उनका 35 रन 35 रन। चौथे ओवर का खेल जारी। अमर है बॉलर उसका सामना करेंगे समीर नदीम। नजले वे अमर दोनों जुड़ गया रफ्तार तेज की अंपायर को क्रॉस किया बॉल के रिपोर्ट का फील्ड किया समीर नदीम को। समीर नदीम जिन्होंने कल सेमीफाइनल में बहुत ही अच्छी बैटिंग का मुजाहिरा किया था और आज भी वो वही अपना तौर तरीका अपनाते हुए दोनों बैट्समैन काफी सख्त नजर आते हुए। अमर एक मरतबा फिर दोनों जुड़ गया अंपायर को क्रॉस किया बॉल के रिपोर्ट का कट किया सदीम ने। समी नदीम ने एक रन का जीत इजाफा किया दोनों बैट्समैन ने। स्कोर बढ़ता हुआ 36 बगैर किसी नुकसान के। चौथे ओवर का खेल जारी नक्कर अलावन अफजल सलाम जिन्होंने पहले बॉलिंग में काफी जोश दिखाया और अब वही सिलसिला वो बैटिंग में भी अपनाते हुए। अफजल समझ बॉलर है अमर दोनों शुरू किया रफ्तार तेज की अंपायर को क्रॉस किया बॉल की ओर छोड़ रहा व्हाइट बॉल अच्छी डिलीवरी शुरुआत देखने को मिली अमर की जानब से। एक मरतबा फिर अमर बॉलिंग एंड से दौड़ना शुरू किया अंपायर को क्रॉस किया बॉल की ओर छोड़ रहा कट किया अफजल समर ने।
तीन रन का इजाफा किया दोनों बैट्समैन ने और स्कोर बढ़ता हुआ 39 हो गया। चौथे ओवर का खेल जारी। एक ओवर को लक्ष्मण ने से एक और बना चौका चौका इन सब दिल से ने बस वाइड वाला हाथ खड़े केंद्र होने तो प्रॉब्लम होती है दोनों अभी तक कोई बैट्समैन आउट नहीं हुआ अलावा का। असल यासर तैयार है अपनी बॉलिंग के निशान पर बसंत करने के समय यासर बदल कर पहुंचे गेंद की अच्छी गेंद से खेले बैट्समैन सामने की तरफ एक रन का इजाफा हुआ स्कोर में स्कोर बढ़ता हुआ 53-53 22 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। गार्बन आस पास गेंदें भी इतनी होगी सॉरी ये 10 ओवर है तो गेंद ज्यादा है अभी यहाँ सभी बार पहुंचे गेंद भाई कम वे कम वे 14-15 जिम्मेदारी
डेस्कोर लगी है ओए ओपनर क्या ये सोच ही नहीं आ रहा है बॉलर भी दे रहा है आप ही ना जीतिए आ गया नहीं तो आप ही ना चाहिए छक्का चले आप ही होते चाहिए आउट है बाद ही चाहिए उसने ओह इंडिया इधर आ गया है गया है हर्षरा पता है नाले कोई उधर ना गच्छा भी सुनी ना सलाम महबूब सब थोड़े थोड़े पीछे ओए उस्मान सटीज नवे नीचे पैसे जमा कर दो इमरान को दे बोल तू ना दुनिया भर में घूमती हुई